ब्रेकिंग न्यूज है सरिता दीदी, उत्तर प्रदेश से भी बहुत अच्छी खबर आई है। जो मोमिन सर ने लेटर लिखे थे वो भी रिटर्न में हम लोगों को मिलने वाले हैं और हमारे ही हक में वो हमारे पास कॉपीज आएंगी, हमें कल ही पता चला। तो अभी जिस तरह से कानून जो है वो जजमेंट्स के ऊपर चलता है, कानून जो है वो जजमेंट्स के ऊपर चलता है। जब दो वकील आमने सामने खड़े होते हैं और वो बहस कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारी जुबान में नजीर इसको कहा जाता है, मिसाल दी जाती है, बताया जाता है कि जी फलां टाइम इस सन में ये केस आया था और उसका ये जजमेंट। अब अगर इसको नागरिकता दे दी जाती है, इसको शादी पे शादी करने की इजाजत दे दी जाती है, बात को समझ रहे आप, तो इसका मतलब ये जजमेंट हो गई। ये फिर फर्दर फ्यूचर में कोई भी ऐसा केस होगा सेम चलता जाएगा। बिल्कुल, आप मैं वही बात कर रहा हूं कि संविधान को चेंज करना पड़ेगा इस औरत के लिए। अब फौरी तौर पे इस पे जो एक्शन और इस तरह जो, क्योंकि आखिर इसने डिपोर्ट होना है क्योंकि इसने ला तोड़े हैं और सारी चीजें इसने खराब की हैं, तो ये हमारे देखने वाले जो ये सोचते हैं कि इसको मिल जाएगी सिटीजनशिप, मिल ही नहीं सकती, क्योंकि इस दो टके की औरत के लिए कानून नहीं बदला जा सकता, ये तो आप जेहन में रखें। दूसरी बात, जिस तरीके से ये बच्चों को लेकर आई है, ठीक है, वो तो हर हालत में इसके फादर को ही मिलने हैं, मिलने ही मिलने हैं, ये कुछ भी कर ले। फिर इसके ऊपर जितने इसने लाश तोड़े हैं, पाकिस्तान के भी तोड़े हैं, वहां के भी तोड़े हैं, उसके बाद ये बैठने को नहीं आ रही, इसको पता नहीं किसने वो दिखा दिया है प्रेम पत्र के तेरा कुछ नहीं हो सकता, वो एपी सिंह भैया नहीं दिखाया होगा पगड़ी खोल के, जिस तरह से काम हो रहा है बेसिकली बच्चों को लेके, तो बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिल रही हैं दोनों तरफ से। और मैं तो कहती हूँ कि बस हैदर भाई का वीजा जल्दी हो जाए और हैदर भाई जल्दी आ जाए यहाँ। 24 तारीख को जो कुछ होना होगा 24 तारीख को बच्चे मिल जाए और अपने बच्चे लेके वापस चले जाए और इसको हम जेल में, मैं सच में ही मैं इसको चाहती हूँ ये जेल में जाए और इस तरह इसकी धुलाई हो कि दोनों मुल्कों को ये याद करे, ये दोनों मुल्कों को याद करे, जिसको इसने जिनके नारे लगाए हैं, जिसको इसने इतने दिनों से इतनी बड़ी हुई है जहाँ पे, और यहाँ पे आके जो इसने हम लोगों के सर पे कथक कर रखा है, डेली सर दर्द होता है, डेली रात को एक पेन किलर खा के सोना पड़ता है इस औरत की वजह से। मैं तो कहती हूँ कि सरिता दीदी, इसकी धुलाई होने के बाद ना इसको सूखने भी डालना है, इसको सूखने भी डालना है, पहले इसको धोना है अच्छी तरह, फिर इसको सूखने डालना है हवा में। ना ना, सूखने नहीं, हम तो गरम गरम प्रेस करेंगे। कैसी बात कर दी भाई, हमने तो प्रेस एकदम हॉट करके और पानी के छींटे डाल के फिर प्रेस करनी है और उसके बाद तह लगानी है। सूख के तो वो तो वैसे ही बैठ जाएगी, वो तो खुश हो जाएगी कि भाई मेरे को सुखा रहे हैं। इस देखिए अच्छा। औरत को तो ऐसी सजा होनी चाहिए कि ये मतलब आगे कोई ऐसी गलती ना करे, उसके उनके लिए सीखो। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा दीदी, मैं आपको बताता हूं कि बहुत पहले मोमिन मलिक सर ने ये ऐलान कर दिया था आज से 3-4 माह पहले कि वो बच्चों की कस्टडी के मतलब बात ही नहीं करते थे। मैंने मोमिन सर की एक बात मुझे बड़ी पसंद है, उनकी मुझे बात बड़ी पसंद है, जब वो काम हो जाता है ना, और हमें उस वक्त पता चल गया था, वो बार बार उनके मुंह से भी ये निकला के जब गुलाम हैदर इंडिया पहुंचेगा उसी वक्त बच्चे उसके हवाले कर दिए जाएंगे, याद है आपको? बिल्कुल, आज आपने आज की वीडियो नहीं देखी? देखी है, आज भी उन्होंने कहा बस हमें टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है, बगरेंगे भाईजान हैं और उनका हमेशा यही होता है, अगर वो चाहते तो कब से बच्चे अपने उसमें कस्टडी में ले लेते, बट वो क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कल को बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, दुख है, तकलीफ है, बुखार है, जुकाम है, कोई ऐसी वो हो जाती है, और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि बच्चे फिर अभी इससे छीन के कहीं इधर उधर हम वो करें, वो ये चाहते हैं कि हैदर भाई आए और सीधा हैदर भाई के हाथों में दिया जाए। बट अभी जहां जहां से लेटर आए हुए हैं, जैसे इकरा मैम को पता है, तो बच्चों की कस्टडी, इससे तो बच्चों की कस्टडी अभी बस
दो चार पाँच छह दिन में ले ली जाएगी, तो बच्चे जब चले जाएंगे चाइल्ड केयर सेंटर में चले जाएंगे जी। अच्छा, आज के जो हमारे सवाल थे वो हमने कंप्लीट किए। एक हमारा सेक्शन 369 के बारे में हमें बड़ा अच्छा, मेरी पूरी कोशिश है सरिता दीदी हमारा लाइव जो है वो इंफॉर्मेशन वाला हो, ठीक है। हम किसी को यहाँ डिस्कस करने नहीं बैठे जी, हम किसी को बताने नहीं बैठे कि ये शख्स बड़ा अच्छा है, वो बड़ा गंदा है, वो फलां है। हमें इससे कोई सरोकार नहीं, हमें सरोकार है गुलाम हैदर के बच्चों के साथ, बच्चों से। एग्जैक्टली, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश है, इतने लोग और जितने अल्लाह का शुक्र है एजुकेटेड लोग थे वो इतने खुश हुए हैं, उन्होंने कहा आप क्यों आए हैं, इतना लेट क्यों लाइव किया आप, इतना लेट क्यों लाइव किया आपने ना, क्योंकि आपने टू द पॉइंट बात करनी है, फजूल बातें आपने करनी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह हम डेली एक सेक्शन उठा के उसके ऊपर बात करेंगे, जो जितनी धाराएं इसके ऊपर लगी हुई हैं उनको लोगों तक भी अवेयरनेस देंगे कि ये चीजें हैं, इसका बचना नामुमकिन है। मैंने कल एक बात की थी, सूर्या भाई भी थे और मैंने बताया था कि दीदी वही बात है, कल भी हमने लाइव ये बात की थी कि बिहाइंड द कर्टन्स कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, ठीक है। और इसी वजह से लोग डरे भी हुए हैं ज्यादा इसके करीब। मैं कल भी ये बात मैंने आपको बोला था कि, और जरूरी नहीं, देखें हर मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से काम करती है, हर मुल्क की जो लॉज हैं वो अपने तरीके से काम करते हैं, ठीक है। हमें तो फिर उम्मीद है, यकीन करें इंडिया की अदालतों से और इन चीजों से जो पाकिस्तान में हालात है आपकी सोच समझ से बाहर है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो कातिल है वो कत्ल करने के बाद बड़े, मेरे कोई दोस्त यार वो आके कहते हैं जी हमने FIR करा दी, और मैं सर पकड़ लेता हूँ, मैं कहता हूँ आप गए, अब मुजरिम भी गया क्योंकि अब उसका कुछ भी नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ का मतलब है कि वो आप मर जाएंगे, वो जनाब बेल करा के तो जगह जगह फिर रहा होगा, वो 6 महीने बाद बाहर आ जाएगा। तो ये सारा निजाम आपको भी पता है, लेकिन इंडिया की कुछ जजमेंट सामने देखी है और भी कुछ केसेस हमारे सामने आते हैं, डिले जरूर होता है, डिले जरूर होता है, लेकिन यकीन करें कि उनकी अदालतें, आप लोगों की अदालतें इंसाफ देती हैं, लेट कर देती हैं। उसकी वजह यह है कि पॉपुलेशन बहुत है, बहुत पॉपुलेशन है ना इंडिया की, बहुत केसेस बहुत है। अब वो अब ये जो लोग है ना, वही एक बार के 300-300 केसेस होते हैं जी जी, ऐसा ही है। अब वो जब बात कर रहे होते ना मोमिन सर, हमें उनकी सारी बातें समझ आ रही होती हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल सिटीजन है ना वो ये चीजें नहीं समझ पा रहा, वो यही कहता है जी बस पकड़े और इसको कर दें, या ऐसे पकड़े ऐसे कर दें। एपी सिंह भैया को कौन देख रहा है यहाँ पे, एपी सिंह भैया को एक दिन आप यहाँ लाइए तो सही, फिर हम बताते हैं एपी सिंह भैया को कि नागरिकता किसको मिलती है। और जिस तरह से कल पराशर सर को मैं देख रही थी, थोड़ा सा वो थोड़ा इधर उधर हो गए थे। देखिए CAA का मतलब, अभी जो मैं आपको बताती हूँ, प्लीज इफ यू डोंट माइंड कि मैं किस तरह से बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने एकदम एग्जैक्ट नहीं बताया था। CAA जो कानून लागू हुआ है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। सीमा हैदर तो इस कंडीशन में है, वो तो बिल्कुल भी उसको नहीं मिल सकती है नागरिकता के लिए। तो जो लोग मेरी चोटी पर जोर लगा रहे हैं ना, जो लोग हम लोगों को बोल रहे हैं कि तुम क्यों भौंक रहे हो, तो भैया हम भौंक नहीं रहे हैं, हम आप लोगों को कानूनी तौर पे बता रहे हैं कि CAA को पढ़ लीजिए, प्लीज आप जाके गूगल कीजिए, CAA को पढ़ लीजिए। अगर इस औरत को हिंदुस्तान में नागरिकता मिल जाती है तो जो लाखों करोड़ों शरणार्थी हमारे जो रोहिंग्या आए हुए हैं और जो लीगल आए हुए हैं, जो इतने सालों से आए हुए हैं, फिर वो लोग तो जाके हमारे इदारों के घर पे खड़े हो जाएंगे, वो तो हंगामा मचा देंगे। क्योंकि ये कल के आई हुई भगोड़ी, और आपको पता है किस तरह से आई हुई है, इनलीगल आई हुई है, उसके बाद यहाँ आके जब इसकी बेल करवाते हैं तो कहती है कि मैं गलती से भारत की सीमा पार करके आ गई हूँ,
अगर तो सीमा पार करके आ गई है तो ये बता कि जाना कहाँ था तूने, तो गलती से चल ठीक है हिंदुस्तान की सीमा में आ गई, वही तो बता देती कि मेरे को कहाँ जाना था, तेरे को वही रिपोर्ट कर देते या तेरे को वही भेज देते। पर तेरे को थोड़ी देर में एक बात पूछती है कि मेरा सचिन मेरा फ्रेंड है, मैं इससे मिलने आई हूँ, चलो ठीक है उसके लिए प्रॉपर सर ने जो करना था, देखिए एज ए लॉयर उनके लॉयर होने के नाते उन्होंने उसको बेल दिलाई, उसके लिए हम ठीक 24 घंटे के अंदर उन्होंने बेल करवाई, हम मानते हैं कि ठीक है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारे लोग उनको गाली भी दे रहे हैं, लेकिन देखिए उनकी जो स्थिति है ना अभी वो क्या कर, वो उनको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर उसको बेल कैंसिल कीजिए कैंसिल कीजिए, लेकिन लोग ना लॉ के हिसाब से नहीं समझ रहे हैं, अब उनको वो राइट नहीं है। आपके पास मैं बताऊंगा ये बात कभी नहीं आता है, तो जिस लो कर सकते हैं जिस तरह से उन्होंने देखा बेल करवाई है उन्होंने, और मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से वो इतने वायलेशन कर रही है ना, तो बिना ह्यूमन वो कर सकते हैं। एक मेरा सवाल है, देखें हम लोग भी लाइव देखते हैं बातें सुनते हैं, बड़े सवालात जेन में आते हैं। देखें एक सोचने वाला इंसान सांस रखने वाला इंसान कोई बात सुनता है तो उसके बारे में सोचता है कि हेमंत सर कहते हैं, उन्होंने बड़ी दफा शाहिद भाई के लाइव में ये बात बोली है, आ जाओ मेरे पास, कोई मेरे पास आ जाओ इसकी वो शिकायत लेके तो मैं इसके ऊपर एक केस कर दूं। ऐसी बात है ना, आपने भी सुना होगा, सुना होगा। अच्छा मेरा जो क्वेश्चन होता है ना वो ये होता है कि हेमंत सर आप इसी बंदे किया को क्यों बुला रहे, पूरे हिंदुस्तान से क्यों बुला रहे हैं? आपका कोई दोस्त होगा, करीबी दोस्त होगा, उसको कहे यार ये नोट लिखो मैं केस डालता हूं, ऐसा हो सकता है ना?